नमस्कार, मैं रीना जायसवाल, आप देख रहे हैं द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताते चले कि द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल और आर्यन पेटल्स के 5 विद्यार्थियों ने नेशनल स्पेल बी में कामयाबी हासिल किया है, जिनमें गौरवी गुप्ता तृतीय स्थान, पार्थ राहुल चतुर्थ स्थान, अक्षता राहुल 16वां स्थान, श्रेष्ठा अग्रवाल ने 27वां स्थान हासिल किया है। यह सम्मान समारोह बेंगलुरु में आयोजित हुआ है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कामयाबी के लिए द आर्यन इंटरनेशनल विद्यालय के चेयरमैन विनीत चोपड़ा, निर्देशिका सुबीना चोपड़ा, प्रिंसिपल शालिनी वर्मन ने बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इस वक्त हमारे साथ हैं द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के वो 5 चैंपियन जिन्होंने नेशनल स्पेल बी में अपनी जगह हासिल की है। आइए सीधे बात करते हैं उन नन्हे बच्चों से जिन्होंने ये ट्रॉफी हासिल की है और वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा व्हाट्स योर नेम? अक्षता राहुल। आप क्या कहना, ये ट्रॉफी मिलकर आपको कैसा लगा? ये ट्रॉफी मिलते समय आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई फेल्ट रियली एक्साइटेड एंड इट वॉज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी, माई पेरेंट्स एंड ऑल द आर्यन टीचर्स। And I really would like to thanks the RN teachers, my parents, and especially Rama ma'am who tutored me for this exam. Parth, I feel very happy and proud. My name is Gaurvi Gupta. I feel very happy and glad. Shrestha Agarwal, I feel very happy and excited. Thankful to my parents and my RN teachers. इस वक्त हमारे साथ है द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल की निदेशिका सुबीना चोपड़ा। आइए जानते हैं नेशनल स्पेल बी की कामयाबी में आपके स्कूल ने कैसे हिस्सा लिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। नमस्कार, मैं सुबीना चोपड़ा, द डायरेक्टर ऑफ आर्यन इंटरनेशनल स्कूल। वेरी प्राउडली वॉन्ट टू टेल यू दैट हमारे 5 बच्चों ने नेशनल लेवल पे स्पेल बी में अवार्ड लिया है एंड ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये अवार्ड्स वहाँ जाके इन बच्चों ने क्लेम किया है। इसकी शुरुआत होती है स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, फिर वो इंटर स्कूल लेवल पे कंपटीशन होता है, वहाँ क्वालिफाई करके स्टेट लेवल पे और वहाँ से क्वालिफाई करके नेशनल लेवल पे आते हैं। तो ये 4 डिफ़िकल्ट स्टेजेस क्रॉस करके वो नेशनल चैम्पियंस डिक्लेयर हुए हैं। जिन बच्चों ने ये अवार्ड स्कूल के लिए इतने बड़े स्तर पर लेकर के आए हैं, उन सभी बच्चों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, पेरेंट्स को थैंक यू। ये अवार्ड लेके आना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे 5 बच्चों ने नेशनल में क्वालिफाई किया और 5 बच्चों ने नेशनल में रैंक अर्जित की, 3rd रैंक, 4th रैंक, 16th रैंक। इट्स नॉट अ स्मॉल डील, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है हम सभी लोगों के लिए कि हमारे बच्चों ने इतनी अच्छी उपलब्धियां अर्जित की हैं। और हाँ बच्चों, हम आगे भी आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं और पूरी तैयारी करेंगे कि इस वर्ष फिर से हम ये अवार्ड्स अपने स्कूल में लेकर के आएँ। 5 बच्चों के नाम बताइए। 3rd रैंक गौरवी गुप्ता, 4th रैंक पार्थ राहुल, 16th रैंक 2 बच्चों ने अर्जित की है, रियांश जालान एंड अक्षता राहुल, एंड 26th रैंक श्रेष्ठा अग्रवाल। आप गौर से देखिएगा, ये सारी रैंक अंडर 30 हैं, बल्कि 2 बच्चों ने अंडर 10 अवार्ड्स लेके आए हैं और उन्हें बेंगलुरु में एक बहुत बड़े सेमिनार में उन्हें अवार्ड दिया गया है। हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की विषय है ये। थैंक यू बच्चों। आइए सीधे बात करते हैं उन चैंपियंस के पेरेंट्स से कि उनका क्या कहना है। मैं गौरवी गुप्ता का फादर हूँ। गौरवी ने नेशनल स्टेट लेवल पे जो प्राइज़ जीता है उसमें उसने 3rd रैंक जीता है। अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो शी हैज़ बैक द फर्स्ट प्लेस, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज शी इज़ जस्ट 7 इयर्स ओल्ड एंड इट वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट। द प्राउडेस्ट ऑफ द थिंग टू टेल इज़ दैट शी स्पेल्ड 70 वर्ड्स इन 44 मिनट्स। हर एग्ज़ाम वेंट फॉर 44 मिनट्स एंड इट वॉज मिस एंड आउट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। Out of these 44, out of these 70 words, 10 words from the phonetics, for which she had also to tell the meaning. So the exam was very tough, and indeed I can say that for such a small kid to bag the 3rd rank, I am very proud of him.
her and I would like to thank her teachers and the school administration for giving the chance to the kid and encouraging her. Thank you. मैं रियान जलान की मदर हूँ. आई एम फील वेरी हैप्पी. दिस इज ही इज 7 years old ओनली एंड आई एनकरेज हिम. आई एम मदर ऑफ श्रेष्ठा अग्रवाल एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड हैप्पी दैट माई डॉटर सेलेक्टेड इन नेशनल लेवल. बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. आई एम मदर ऑफ पार्थ राहुल एंड अक्षिता राहुल. आई एम रियली फील वेरी प्राउड दैट माई both kids have achieved this thing, because it is not the first time that my daughter is doing this. It is her 4th year and my son's 2nd year. So such getting honored in such a big stage, that is from Bangalore in front of many audience, and both my child get honored, I'm really very proud for this. Thank you. क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें. क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें.